अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपने अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है, ब्लू टिक कैसे आपने लेनी है? आपने लैपटॉप पे आ जाना है, लैपटॉप पे आके आपने अपने जो है वो ट्विटर की आईडी को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जब आपके पास ये होम ये सारा आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक कर देना है। मोर पे क्लिक कर देना जो ही आपने, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो प्रीमियम आप चेक कर सकते हैं, प्रीमियम पर चले जाएँ। ठीक है, बल्कि आपने सपोर्ट एंड सेटिंग पे जाना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन कर लें। इसको ओपन के करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने जो है ना वो प्रीमियम पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें जो है ना वो वाजे हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास ब्लू टिक ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, आपके पास अगर नहीं होगी तो आपने यहाँ से एक्टिव कर लेनी है अपनी। अगर आप ऐप से करते हैं, मोबाइल ऐप से करते हैं, तो आपसे वो 3100 रुपया आपके पास शो होगा, प्लस टैक्स जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको तकरीबन 3200-3300 में वो पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से लैपटॉप से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 2250 रुपये प्लस टैक्स करके आपको जो है वो ऑलमोस्ट पड़ जाती है ये 2723 रुपये में। ठीक है, और यहाँ पर जब आपने अपनी आईडी वेरीफिकेशन करनी है तो यहाँ पर आपने वेरीफिकेशन पर जाना है, ये जो आपके सामने है। वेरीफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप ब्लू टिक अपनी चेक कर सकते हैं, इसको छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, या इसको आप शो कर सकते हैं। शो अपनी रखें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमने शो करने के लिए ली होती है, और इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप अपनी ट्वीट जो है वो लंबी लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना आईडी वेरीफिकेशन पे आना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्यों ही आएँगे, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट कर देना इसको यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद ये आपको चेक करके मज़ीद आपसे ये कहेगा कि कैप्चर योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू करना, ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस तरह करके आपने जो है ना वो आईडी कार्ड को नहीं रखना, इस तरह आपने रखना है जिस तरह ये स्क्रीन पे शो करवा रहा है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपने अपनी जो आईडी कार्ड है उसको फ्रंट जो उसका होता है उसको यहाँ पर सामने इस यहाँ पर ले के आना है, इस ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर। मेरा अब यहाँ पर लैपटॉप का वो कैमरा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका रिप्लेस करवा के तो इस मैं अपना वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ से आप इस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई मुश्किल तरीके का नहीं है, और चीज़ें कुछ पूछनी है ये मैं लोगों से पूछता रहा हूँ यहाँ पे ट्विटर पे, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है ना मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो बना दी है। ठीक है, ये कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ख़राब है और इसमें इतना खास नज़र नहीं आ रहा। जो ही आप यहाँ पर आप जब करेंगे कार्ड, ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसको कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद आपसे बैक साइड लेगा, बैक साइड के बाद आपने सबमिट कर देना है, और ये आपको जो है थोड़ी टाइम में आपकी जो है ना वो प्रोफाइल जो है प्रोफाइल ये जो है आपकी वेरीफाई हो जाएगी आईडी कार्ड के आप पे। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल मसला नहीं है। ये वीडियो देखें, इसको आगे जो है रीपोस्ट करें, किसी दोस्त को नहीं पता तो उसको टैग कर सकते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है।